हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनरल नॉलेज जंक्शन पे। दोस्तों, हर दिन की तरह हम लोग आज भी जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हुए हैं। आज हम लोग यूरोप के कुछ देशों और उनके राजधानियों के बारे में जानेंगे आज के इस सेशन में। ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो आज के सेशन का पूरा लाभ उठाने के लिए कृपया इस सेशन के अंत तक बने रहें, कोई भी पॉइंट मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, सर्बिया की राजधानी है ए जागरेव, बी बेलग्रेड, सी सरायेवो या डी मिन्स्क। दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, मेसिडोनिया की राजधानी है ए स्कोपजे, बी वारसा, सी वालेटा या डी वादूज। दोस्तों, मेसिडोनिया एक यूरोपियन कंट्री है और इस देश यानी कि मेसिडोनिया की राजधानी है स्कोपजे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्रोशिया की राजधानी है ए जागरेव, बी साराजेवो, सी रीगा या डी बाकू। दोस्तों, क्रोशिया की राजधानी है जागरेव। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, यूक्रेन की राजधानी क्या है ए ओस्लो, बी बर्न, सी कीव या डी एथेंस। दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी है ऑप्शन सी कीव। यूक्रेन की राजधानी है कीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है ए लिस्बन, बी ओंटेरियो, सी बुखारेस्ट या डी बर्न। दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, ये एक यूरोपियन कंट्री है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, स्वीडन की राजधानी है ए स्टॉकहोम, बी ओस्लो, सी डब्लिन या डी किंग्सटाउन। दोस्तों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, स्पेन की राजधानी क्या है ए लिस्बन, बी सेंट जॉर्ज, सी वियना या डी मैड्रिड। दोस्तों, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, रोमानिया की राजधानी है ए बुखारेस्ट, बी लीमा, सी काराकस या डी ओटावा। दोस्तों, रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, पुर्तगाल की राजधानी है ए मैड्रिड, बी लापाज, सी लिस्बन या डी विला। दोस्तों, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लिस्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन, पोलैंड की राजधानी है ए वारसा, बी बर्लिन, सी मैड्रिड या डी रीगा। दोस्तों, यूरोपियन कंट्री पोलैंड की राजधानी वारसा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इलेवन, नॉर्वे की राजधानी है ए ओस्लो, बी सुवा, सी बागोटा या डी सैंटियागो। दोस्तों, नॉर्वे की राजधानी ऑप्शन ए ओस्लो है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, नीदरलैंड की राजधानी है ए रिकियाविक, बी एम्स्टर्डम, सी ब्रुसेल्स या डी तिराना। दोस्तों, नीदरलैंड की राजधानी ऑप्शन बी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की राजधानी हुई एम्स्टर्डम। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, लातविया की राजधानी है ए पोर्ट ओ प्रिंस, बी बेलमोपान, सी रीगा या डी पनामा। दोस्तों, यूरोपियन कंट्री लातविया की राजधानी रीगा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ, ऑप्शन सी रीगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, आयरलैंड की राजधानी है ए डब्लिन, बी काइस्ट्रीज, सी क्वीटो या डी पोर्ट लुइस। दोस्तों, आयरलैंड की राजधानी है डब्लिन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, जर्मनी की राजधानी है ए बर्लिन, बी मसेरू, सी हरारे या डी प्रिटोरिया। दोस्तों, जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीस की राजधानी है ए यूनान, बी एथेंस, सी लिस्बन या डी प्राग। दोस्तों, ग्रीस की राजधानी है एथेंस।
इसमें एक कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों, ग्रीस का ओल्ड नेम है यूनान। हम लोग ओल्ड मतलब पहले पुराने नाम में ग्रीस को यूनान के नाम से जानते थे, जबकि ग्रीस की राजधानी है एथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फ्रांस की राजधानी है ए रोम, बी पेरिस, सी कीव या डी एम्स्टर्डम। दोस्तों ये एक इजी क्वेश्चन है और फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फिनलैंड की राजधानी है ए ओस्लो, बी हेलसिंकी, सी वारदूज या डी तिबलिसी। दोस्तों फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, डेनमार्क की राजधानी है ए त्रिपोली, बी बमाको, सी कोपेनहेगन या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों डेनमार्क की राजधानी है ऑप्शन सी कोपेनहेगन, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। चलिए दोस्तों हम लोग आज के सेशन की अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ऑस्ट्रिया की राजधानी है ए वियना, बी बगदाद, सी काराकस या डी हवाना। दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों आप लोगों को आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया इसे अपनी तरफ से एक लाइक कर दे तथा अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को इसी तरह की वीडियोस रेगुलरली मिलती रहे। धन्यवाद, सी यू नेक्स्ट टाइम।